तो मैं अब इसका ऑफिशियली स्टार्ट करने जा रहा हूँ। हमारी आज ट्रेनिंग का जो पर्पस है उसको कहेंगे हम ऑनलाइन ट्रेन, जैसा कि इसके इनवाइट में भी मेंशन था। और इसमें हम करना क्या है, हमने मैं आपको वो चीज प्रॉपरली जो है गाइड कर देता हूँ उसके लिए। बेसिकली आप इसमें यह है कि इसका मकसद हमारा है होगा कि आप अपने ऑर्डर का क्लेम कैसे क्रिएट कर सकते हैं खुद से। अगर आपको कुछ प्रोडक्ट जो है उसमें इशू है और वो प्रोडक्ट आपको ठीक नहीं लगता या आपको उसको वापस करना है या उसकी जगह कोई और प्रोडक्ट लेना है, तो आप अपना क्लेम खुद से सिस्टम पे क्रिएट कर सकेंगे। और वो क्लेम क्रिएट करने के बाद वो सिस्टम में हमारे हमें दिखाई देगा और वो क्लेम हमारा जो है कस्टमर सर्विस नुमाइंदा बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन जो आपने हमें प्रोवाइड की होगी उस इंफॉर्मेशन पे को चेक करते हैं कि आपका क्लेम वैलिड है या नहीं, इसको अप्रूव या डिनाई करेगा। ठीक है, तो अब आप लोगों के रहने सवाल आता होगा कि ये ऑर्डर कैंसिलेशन तो हमारे पास पहले से था, हम आप लोग पहले से ऑर्डर कैंसिल तो कर सकते हैं, लेकिन ऑर्डर कैंसिल अभी भी आप सिर्फ ऑर्डर वो कैंसिल कर सकते हैं जो ऑर्डर हमारे पास अभी प्रिंट नहीं हुआ। मतलब आपने ऑर्डर क्रिएट किया और अभी हमारे पास वेयर हाउस में उसका प्रिंट आउट नहीं आया, तो आप उसका क्लेम क्रिएट कर देते हैं, आप उसको कैंसिल कर देते हैं उस ऑर्डर को, और वो ऑर्डर पूरे का पूरा कैंसिल हो जाता है। लेकिन हम यहाँ पे जो सीखेंगे, हम ये सीखेंगे कि आपने अपने ऑर्डर के अंदर से पार्शियल क्लेम, मतलब कुछ प्रोडक्ट को मैनेज करना है या उसको चेंज करना है, वो कैसे क्रिएट करना है। ठीक है, तो चलते हैं, बढ़ते हैं अपने क्लेम्स की तरफ। तो जब ये हमारे पास इंशाल्लाह अवेलेबल होगा फ्रॉम ट्यूसडे 15th of June, तो इसके लिए मैं भी आपको स्क्रीन दिखा देता हूँ। ये हमारे पास टेस्ट एनवायरनमेंट है। टेस्ट एनवायरनमेंट में जब आप लॉग इन करेंगे वेबसाइट पे जब आप अपना लॉग इन करेंगे, तो उसके बाद आप अपने डैशबोर्ड पे होंगे। लॉग इन करते हैं तो आपके पास ऐसे डैशबोर्ड दिखाई देगा। तो आपने ऑर्डर्स के मेन्यू पे जाना है, देन क्लेम्स का मेन्यू, और फिर क्लेम पे क्लिक करना है। जब आप क्लेम पे क्लिक करते हैं तो आपको अपने जितने भी ऑर्डर्स क्रिएट हुए हैं यहाँ पे एक लिस्ट में दिखाई देंगे, जैसा कि मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, और आप चाहें तो अपने डाउनलाइन का ऑर्डर भी क्रिएट पे भी एक क्लेम कर सकते हैं। तो उसके में अगर आप अपने डाउनलाइन का ब्रांड पार्टनर नंबर यहाँ डालेंगे तो सेम ऐसे ही जैसे स्क्रीन आपको यहाँ अभी दिखाई दे रही है, तो आपको उनके भी ऐसे ही ऑर्डर नजर आएंगे जो आपने ऑलरेडी ऑर्डर क्रिएट किए हुए हैं, जो ऑलरेडी पेड भी है, जो ऑलरेडी शिप्ड भी है, सब ऑर्डर आपको यहाँ दिखाई देंगे। फॉर एग्जाम्पल, मेरा ये आईडिया है, मैं इसमें इस ये मेरा इनवॉइस नंबर है और मैं इस इनवॉइस नंबर को क्लेम करना चाहता हूँ। इसमें जो मेरे पास प्रोडक्ट जो आए हैं, वापस आता हूँ क्लेम स्क्रीन पे जल्दी से। हम लोग इस इनवॉइस में जो प्रोडक्ट्स हैं उनको क्लेम करना चाहते हैं। चैट में देखता हूँ जी, आवाज नहीं आ रही है, बहुत स्लो आ रही है मुझे। बाकी लोगों का क्लेम कंफर्म करते हैं कि आवाज आपको क्लियर आ रही है। वालेकुम सलाम, कोई बंदा मुझे गया और सब लोगों का आवाज ठीक नहीं आ रही या आ रही है जी? अगर आपको काम किसी क्योंकि बहुत सारे लोगों को क्लियर आ रही है, तो इट मींस कि मेरे एंड से इशू नहीं है। ये आप अपने हैंडसेट को देखें और अपने साथ हैंड फ्री लगाए। थैंक यू जी, अब मैं जा रहा हूँ उसकी तरफ। कोशिश कीजिएगा कि अब चैट में कोई मैसेज ना करें अननेसेसरी, ताकि हम लोगों की कंसंट्रेशन इसकी तरफ रहे। तो मैं आपको जो मैसेज करने का प्रॉपर टाइम दूंगा जिसमें आप अपने क्वेश्चन कर सकेंगे। तो काइंडली जो है चैट को इग्नोर करके सिर्फ स्क्रीन की तरफ ध्यान दें। हम लोग जो अभी बात कर रहे थे, दोबारा से मैं आता हूँ अपनी बात को रिपीट करता हूँ, ताकि क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं नहीं चाह रहा कि आप लोग डिस्ट्रैक्ट होके अपना जो है इसको अच्छे तरीके से सीखे ना और आपको बाद में प्रॉब्लम है। तो हम बात कर रहे थे कि हमने अपना क्लेम कैसे क्रिएट करना है। ये क्लेम क्रिएट करने के लिए जब आप ऑर्डर के मेन्यू में क्लेम में आएंगे तो आपको आपके जितने प्रीवियस ऑर्डर हैं उनकी लिस्ट दिखाई देगी। और अगर आप अपने किसी ब्रांड पार्टनर का, डाउनलाइन मेंबर का आप क्लेम क्रिएट करना चाहते हैं अपने बिहाफ पे, तो ऊपर से माई सेल्फ की जगह अदर पे क्लिक करेंगे तो आपको ये ऐसे दिखाई देगा, और यहाँ पे आप उनका ब्रांड पार्टनर नंबर डालेंगे। ठीक है, जैसे आप ब्रांड पार्टनर नंबर डालेंगे, जैसे मैंने एक ब्रांड पार्टनर नंबर डाला, तो उनके मुझे ऑर्डर इसमें दिखाई देंगे। लेकिन ये मेंबर जो है आपको आपकी टीम का ही होना चाहिए।
अब हम देखते हैं, अब हम एक क्लेम क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। तो क्लेम बेसिकली जब आप एक किसी भी इनवाइस को, फॉर एग्जांपल मैं इस इनवाइस नंबर पे मैं जो प्रोडक्ट है उसका मैं क्लेम करना चाहता हूँ, तो मैं इस इनवाइस पे क्लिक करूंगा तो मुझे ये तीन ऑप्शन दिखाई देगा। आई वॉन्ट टू रिटर्न एक्सचेंज और अ रिपोर्ट मिसिंग प्रोडक्ट। अगर आप अपना ऑर्डर पे से प्रोडक्ट पे से रिटर्न करना चाहते हैं या एक्सचेंज करना चाहते हैं प्रोडक्ट को, तो आप ये वाली ऑप्शन को चूज करेंगे। ये तीनों ऑप्शन मैं अभी आपको एक्सप्लेन करके दिखाऊंगा, तो आप जरा इसको होल्ड कीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट आई वांट टू रिपोर्ट एन इनवाइस इशू। अगर इनवाइस में कोई प्रॉब्लम है, किसी प्रोडक्ट की प्राइस आपको लगता है कि ठीक नहीं आई आपके पास, तो आप ये वाला ऑप्शन करेंगे। तीसरी ऑप्शन है आई वांट टू रिपोर्ट अ डिस्ट्रीब्यूशन इशू। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि आपको पूरा पैकेज नहीं मिला, या अगर मिला है तो डैमेज मिला है, और अगर आपको डैमेज मिला है तो उसकी क्या स्पेसिफिकेशन है, और आप पूरा ऑर्डर कैंसिल करना चाहते हैं या अपना पूरा ऑर्डर दोबारा से मंगवाना चाहते हैं, तो आप तीसरी ऑप्शन करेंगे। जब आपने याद रखिएगा, जब आप पूरा ऑर्डर कंप्लीट ऑर्डर की कोई इन्फॉर्मेशन है तो अगर आप पूरा कंप्लीट ऑर्डर कैंसिल करना चाहते हैं या दोबारा ऑर्डर मंगवाना चाहते हैं, तो आई वॉन्ट टू रिपोर्ट अ डिस्ट्रीब्यूशन इशू करेंगे। याद रखिएगा तीसरी ऑप्शन, नोट कर लें इसको। लेकिन अब हम सबसे पहले वाली ऑप्शन को एक्सप्लोर करेंगे। तो मैंने इस वाले बटन पे क्लिक किया और कंटिन्यू का बटन प्रेस किया। मैंने कंटिन्यू का बटन प्रेस किया तो मेरे ऑर्डर में जो प्रोडक्ट दिखाई दे रहे होंगे, मैं इस ऑर्डर के पे क्लेम क्रिएट कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मुझे ये वाला परफ्यूम जो है, मैंने इसको, इससे मुझे कोई इशू है, मैं इसको रिटर्न करना चाहता हूँ, मैं इसको रिटर्न करना चाहता हूँ। अच्छा, स्क्रीन ब्लर है, मैं इसको थोड़ा सा जूम करता हूं। अब बेहतर है जी, चैट में बताइएगा। अब स्क्रीन आपको क्लियर नजर आ रही है? ठीक है जी, थैंक यू। सो हम वापस आते हैं कि मैंने ऑप्शन चूज किया आई वांट टू रिटर्न और एक्सचेंज अ प्रोडक्ट। तो मैंने इनवाइस पे क्लिक किया तो मेरी इनवाइस में जितने भी ऊपर वाले आदमी मुझे इशू है, तो मैंने, जैसे मैंने आपको बताया कि एक्सचेंज, इंपोर्ट और मिसिंग प्रोडक्ट, इन तीनों में से एक ऑप्शन चूज करूंगा। तो सबसे पहले देखते हैं रिटर्न द प्रोडक्ट। रिटर्न द प्रोडक्ट मैंने क्लिक किया तो मुझे इसने आगे फर्दर एक पूछा। तो अब मैं इस पे क्लिक करूंगा, रिटर्न क्यों करना है मैंने, मुझे कोई रिएक्शन हो गया इससे, डैमेज और डिफेक्टिव प्रोडक्ट निकला है, या मुझे प्रोडक्ट अनवांटेड है, चाहिए ही नहीं। ये देखिए तीन ऑप्शन दिखा रहा है। तो मैं एडवर्स रिएक्शन पे सबसे पहले बार चेक करूंगा। तो इसने मुझे कहा, एक आपको प्रोडक्ट जब मिलते हैं तो उसकी बॉक्स के ऊपर उसका बैच कोड लिखा होता है। ये हम आपसे मांग रहे हैं इसलिए कि आप अपना बैच कोड हमें बताएंगे तो अगर मार्केट से उठा सकते हैं, लेकिन ये इंफॉर्मेशन कंपल्सरी नहीं है। ठीक है, तो आप इसको चाहे तो यहाँ पे अनचेक कर दें इसको, आई कांट फाइंड द बैच कोड। अगर आपके पास बैच कोड है तो आप बैच कोड यहाँ पे लिख देंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको कहा कि मुझे बैच कोड भी नहीं पता, तो आपको सिस्टम में एक बतौर प्रूफ एडवर्स रिएक्शन पे, जैसे कि आप ऑलरेडी कोई क्लेम करते हैं किसी रिएक्शन का, आप कुछ फोटो भेजते हैं अपने स्किन की या जिसके पे भी आपको रिएक्शन हुआ, तो आप उसका प्रूफ में सिलेक्ट फाइल करेंगे। और जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके कंप्यूटर से जो है ये सारी जो है आपके लिए, जहां आपको कहेगा कि पिक्चर को अपलोड कीजिए। फॉर एग्जांपल मैंने एक कोई पिक्चर अपलोड करनी है और मैं इन मैंगोज की, ये टेस्टिंग है, आप इसमें आपने एक्चुअल इंफॉर्मेशन देनी है, आपने इसके ऊपर एक्चुअल यहाँ पे प्रोडक्ट पिक्चर लगानी है जो भी आपको आएगा। तो आप इसमें एक से ज्यादा पिक्चर भी एडिट अपलोड कर सकते हैं, एक पिक्चर भी अपलोड कर सकते हैं। ठीक है जी, ये इन्फॉर्मेशन आप ऐड करेंगे और कंटिन्यू का बटन प्रेस कर देंगे। ठीक है, कंटिन्यू का बटन प्रेस किया तो ये मुझे मेरी जो मैंने भी इस पे इन्फॉर्मेशन एंटर की है, मुझे उसकी सारी चीजें डिटेल बता रहा है कि मैंने ये वाला प्रोडक्ट था एक्सचेंज यहाँ पे आ गया। और अगर यहाँ पे आप कोई फर्दर इन्फॉर्मेशन टाइप करना चाहते हैं, जो भी आप इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिखेंगे वो हमें दिखाई देगी। तो आप इसको यहाँ पे कॉमेंट्स एड करेंगे। यहाँ पे कॉमेंट्स आपके, आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, ग्रोमर में भी लिख सकते हैं कि मुझे इस प्रोडक्ट से रिएक्शन हो गया,
ऑन माय स्किन, आप जैसी मर्जी लैंग्वेज में लिखेंगे, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे ये फ्री करके पाकिस्तान में ही लोग बैठे हुए होंगे जो इन कमेंट्स को देख रहे होंगे, और उनसे उनके लिए आसानी होगी आपका क्लेम अंडरस्टैंड करने में। ठीक है जी, अब बात आती है प्राइस की और बीपीज की। तो जो आपकी प्राइस होगी वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगी आपके प्रीपेड में, और बीपीज भी आपके माइनस हो जाएंगे अगर आप ये वाला ऑप्शन चूज करते हैं। अंडरस्टैंड है जी? क्वेश्चन को भी अपने पास रख लीजिए, सारे क्वेश्चन मैं बाद में आपको इसके पे आंसर दूंगा। प्लीज आप जो मैं बता रहा हूँ उस पर ध्यान दें। वापस चलते हैं, मैं इसको क्लेम क्रिएट नहीं कर रहा ताकि आप लोगों को बाकी ऑप्शन भी दिखा दूं। एडवर्स रिएक्शन की जगह अब मैं कहता हूँ रिटर्न प्रोडक्ट में डैमेज और डिफेक्टिव प्रोडक्ट। मैंने ये बोला कि मुझे प्रोडक्ट जो है डैमेज और डिफेक्टेड मिला, तो अब फर्दर डिटेल कह रहा है स्पेसिफाई द डिटेल्स। मैं जब इस पे क्लिक करूंगा तो कह रहा है कि क्या अब क्या डैमेज है उसमें, मैकेनिज्म में कोई प्रॉब्लम है इसका मतलब, लाइक इसका कैप काम नहीं कर रहा था, लगा नहीं हुआ था, टूटा हुआ था, पैकेजिंग का क्वालिटी इशू है, मतलब बॉक्स आपको प्रॉपर नहीं मिला। ठीक है जी, प्रोडक्ट की कंटेंट क्वालिटी में इशू है, मतलब शीशी मुझे कंप्लीट नहीं थी, फिल नहीं थी, ये चीजें इंफॉर्मेशन है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मैकेनिज्म का प्रॉब्लम करता हूँ तो आगे मुझे एक और सवाल करेगा, नॉट वर्किंग एट ऑल और वर्किंग पुअरली। ठीक है, आपको जो लगता है आपके मुताबिक जो आपको इन्फॉर्मेशन आपके पास है आपने वो यहाँ पे एंटर करनी है। ठीक है, हाँ, पैकेजिंग क्वालिटी में अगर कोई इशू है, क्या इशू है जी, बैच नंबर, एक्सपायरी डेट मिसिंग है, लीकेज है, कंटेनर का कोई मसला है, पैकेजिंग का मसला है, मिसिंग लेबल है, पुअर लेबलिंग है, प्रोडक्ट लीकिंग है, हर तरह का जो आपको प्रॉब्लम आ सकता है वो हमने यहाँ पे एंटर करके रखा हुआ है। ठीक है जी, अगर आप कहेंगे कंटेंट क्वालिटी इशू है तो कंटेंट में क्या क्वालिटी इशू है जी, कलर वैसा नहीं था जैसा हमें दिखाया गया, कंसिस्टेंसी टेक्सचर सही नहीं है, मिसिंग पार्ट है, मतलब जो भी आपका प्रॉब्लम है हमने उनको ऑटोमेटिकली खुद से लिख के रखा हुआ है, आपने सिर्फ सिलेक्ट 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 ऑप्शन कर दिए हैं। ठीक है जी, क्लियर है ये बात। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये सारी ऑप्शन चूज की तो फिर भी मुझे एक अगर था पिक्चर पे लगानी है तो हमने ऑप्शन दे दिया है, आप यहाँ पे जो आपके लिए जो आप इसके प्रूफ के तौर पे चीज अटैच करना चाहते हैं वो यहाँ पे अटैच कर देंगे। अंडरस्टैंड है जी, ये बात क्लियर है। मैंने अभी आपसे कहा है कि ये सर्वत आबिल आपने भी कहा लिपस्टिक में कलर वेरिएशन का इशू आता है जी, बिल्कुल आता होगा, इसीलिए हम आपको क्लेम के ऊपर बता रहे हैं, लेकिन आप इस वक्त सिर्फ ये अंडरस्टैंड करें कि हम इस क्लेम क्रिएट कैसे करते हैं। मैंने अभी आपको अभी जो आपको ऑप्शन बताई है वो ये है कि रिटर्न द प्रोडक्ट की, ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए कि आपने कैसे करनी है। जी अस्सलाम वालेकुम, आवाज का बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने खुद से म्यूट किया था, मैं चाह रहा था कि आपको जो ये ऑप्शन दिखाई है इनको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर ले। मैं एक मिनट की ब्रेक ले रहा हूँ, तो इसके बाद आप लोग इसको जो है हम नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ चलेंगे, मैंने खुद से म्यूट किया था।
हेलो जी, वेलकम बैक। मैंने इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक लिया था ताकि हम लोग जो है हमने जो ये ऑप्शन देखे हैं रिटर्न द प्रोडक्ट की, ये देखें। इसके बाद हम चलते हैं एक्सचेंज द प्रोडक्ट। एक्सचेंज प्रोडक्ट में आपके पास क्या क्या इंफॉर्मेशन आ रही है? एक्सचेंज प्रोडक्ट करने के लिए आप जब इस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास क्या कह रहा है कि मैंने एक्सचेंज प्रोडक्ट करना है बिकॉज ऑफ क्या वजह है जी? वही तीन चीजें हैं, एडवर्स है, डैमेज है या अनवांटेड प्रोडक्ट है। अगर आपको इससे कोई रिएक्शन हो गया है आपकी स्क्रीन पे, कोई इश्यू है, तो आप यहाँ पे चूज करेंगे। वही जैसे मैंने आपसे बताया था कि आप यहाँ उसका बैच कोड डालेंगे जो प्रोडक्ट की वेबसाइट पे दिया होता है, बैच नंबर। ये अगर आपके पास नहीं, आपको नहीं मिल रहा, तो आप उसको आई कांट फाइंड द बैच कोड कर देंगे, और जिस प्रोडक्ट से आपने इसको एक्सचेंज करना है आप उसका कोड डालेंगे। देखिए, आप पहले सिर्फ रिटर्न कर रहे थे, अब आप इसको एक्सचेंज कर रहे हैं। मैंने ये परफ्यूम नहीं लेना, मैंने इसकी जगह टेंडर केयर ले ली, ठीक है? तो आप जो अगर टेंडर केयर ऐड करेंगे तो आप कितनी टेंडर केयर लेना चाहते हैं तो आप इसके अंदर प्लस माइनस कर सकते हैं अपनी क्वांटिटीज को। मैंने ये प्रोडक्ट को चूज किया एक्सचेंज करना है मुझे, किस वजह से? कोई रिएक्शन है, और उसकी जगह कौन सा प्रोडक्ट लेना है? आई वांट टू एक्सचेंज इट प्रोडक्ट फॉर, ठीक है, और क्वांटिटी ऐड करनी है। अंडरस्टैंड आ रही है बात? उसके बाद आपने वही काम करना है, प्रूफ के लिए पिक्चर अटैच करनी है, और सिंपली कंटिन्यू करना है, और आगे जाके जैसे मैंने आपको प्रोसेस दिखाया था, ये आपको दिखाएगा कि आपने ये वाला परफ्यूम चेंज करना है। उसकी जगह ये टेंडर किया, दो क्वांटिटी मिलेंगे। इसकी प्राइस ये थी और टेंडर किया की प्राइस ये है, इसके बिजनेस पॉइंट्स ये थे और इसके इतने हैं। तो आपकी जो जितनी भी इंफॉर्मेशन है ऑटोमेटिकली आफ्टर द अप्रूवल एडजस्ट हो जाएगी, और नीचे जैसे मैंने आपको बताया था कमेंट्स देंगे और कंफर्म कर देंगे, ठीक है जी? मैं वापस जाता हूँ। मैं एक्सचेंज प्रोडक्ट एडवर्स रिएक्शन नहीं, मैं कहता हूँ डैमेज की वजह से होता है। डैमेज उनमें से जो आपके लिए, जो आपके केस के में सूट करता है, आपने उसको चूज करना है, ठीक है जी? और एक्सचेंज द प्रोडक्ट फॉर, मैं कहता हूँ कि मुझे अभी यही प्रोडक्ट कोड याद है, हम उसका प्रोडक्ट कोड डालेंगे और उसको सेव कर देंगे। 1276 मैंने आई थिंक पहले ऐड किया था, इसलिए इसको नहीं कर रहा। दोबारा से आते हैं। मैं कहता हूँ ये वाला मुझे एक्सचेंज करना है प्रोडक्ट, और एक्सचेंज करना है मुझे अनवांटेड, मुझे नहीं चाहिए। अनवांटेड डिड नॉट मैच द डिस्क्रिप्शन, जो जैसा मैंने समझा था वैसा नहीं है। डिड नॉट मीट द एक्सपेक्टेशन, जैसी मैंने एक्सपेक्ट किया था वैसा नहीं है। कोई भी रीजन नहीं है, मेरा बस माइंड चेंज हो गया, मुझे ये चेंज करना है। रॉन्ग प्रोडक्ट ऑर्डर, मैंने गलती से ऑर्डर कर दिया था। ये देखिए डिफरेंट हर तरह के ऑप्शन है, जो जो आपको इश्यू आ सकते हैं मैंने ऑलरेडी इसमें बना के रखे हुए हैं। आप अपनी केस के मुताबिक जो आपको प्रॉब्लम है आप उसके मुताबिक ये ऑप्शन को चूज करेंगे, ठीक है? और एक्सचेंज द प्रोडक्ट फॉर, मुझे हम ये वाली बॉम कहेंगे कि ये एंटर करनी है और कंटिन्यू करेंगे। अच्छा जी, यहाँ पे आपके पास नीचे एक ऑप्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपने रिटर्न प्रोडक्ट मंगवाना कैसे है? सेंड इट माय नेक्स्ट ऑर्डर, आप अगला कहते हैं कि मुझे ये वाला प्रोडक्ट मुझे नेक्स्ट ऑर्डर में दे दे। अगर आप ये ऑप्शन चूज करेंगे तो आपको कोई डिलीवरी चार्जेस नहीं पड़ेंगे, कोई आपको हैंडलिंग फी नहीं पड़ेगी, लेकिन वो आपका नेक्स्ट ऑर्डर फिर आपको मंगवाना, आपको पता है कि एड्रेस, आपको पता है कि नेक्स्ट ऑर्डर मैंने कहाँ मंगवाना है। अगर आपने किसी अपने कस्टमर के लिए भेजना है तो फिर ऑप्शन नहीं चूज करेंगे, ठीक है? और अगर आपने ये ऑप्शन चूज कर लिया तो फिर अपना नेक्स्ट ऑर्डर आपने उसी एड्रेस पे मंगवाना है जहां पे आपको ये वाला प्रोडक्ट चाहिए। तो इस बात को अच्छे तरीके से ध्यान में लीजिएगा। और या फिर कहता हूँ कि मुझे सेपरेट ऑर्डर मंगवाना है, सेपरेट ऑर्डर मंगवाना है तो कैसे मंगवाना है? होम डिलीवरी मंगवाना है। होम डिलीवरी में आपके पास जो आपके हो, आपके पर्सनल एड्रेसेस जिसमें सिस्टम में डले होंगे वो सारे यहाँ लिस्ट में आएंगे, आप वहां से उस एड्रेस को चूज करेंगे और कंटिन्यू करेंगे। ये ऑप्शन बड़े गौर से देखें। डिलीवरी में आपने जो प्रोडक्ट चूज किया, इस एसेंडा को आपने चेंज किया कि मुझे टेंडर केयर बाम इसकी जगह भेज दे 3, और लेकिन मुझे नेक्स्ट डिलीवरी चाहिए, या तो मेरे नेक्स्ट ऑर्डर में मैं नेक्स्ट ऑर्डर जो प्लेस करूंगा या करूंगी उसमें चाहिए, तो
तो इसमें याद रखिएगा कि आपका फायदा ये है कि आपको डिलीवरी चार्जेस नहीं मिलेंगे, डिलीवरी चार्ज आपको एक्स्ट्रा नहीं पे करने पड़ेंगे। अगर आप सेपरेट ऑर्डर मंगवाते हैं तो सेपरेट ऑर्डर क्या कहूँगी कंटिन्यू विद नेक्स्ट ऑर्डर में जो आप इसमें सेट करेंगे तो फिर वही वाला जो मैंने आपको दिखाया था कि आपको पूरे क्लेम की समरी आपको दिखाई देगी। इस समरी पे जब आप क्लिक करेंगे, इस समरी को आप देखेंगे, आप वेरीफाई करेंगे कि आपने क्या सही क्लेम क्रिएट किया है। और मैंने आपको जैसे बताया कि जितनी भी आपकी प्राइस है ऑटोमेटिकली बैलेंस में एडजस्ट हो जाएगी। अगर आपने प्राइस आपकी ज्यादा बन रही है प्रोडक्ट की तो उतना आपके ऊपर डेप्ट क्रिएट हो जाएगा। अगर आपके एक्सचेंज प्रोडक्ट की प्राइस कम हो रही है तो आपके उतने पैसे आपके प्रीपेड में चले जाएंगे। अगर और ये सारी चीजें आफ्टर द अप्रूवल ऑफ द क्लेम बाय अवर कस्टमर सर्विस होगा। ये मत क्लेम क्रिएट कर दिया और वो हो गया, उसको हमारी कस्टमर सर्विस की टीम वेरीफाई करेगी ये वैलिड भी है या नहीं है। ठीक है जी, अंडरस्टूड? ये दो चीजें रिटर्न और एक्सचेंज समझ आ रही है आपको? इसको अच्छे तरीके से याद कर ले फिर हम आगे बढ़ते हैं। आगे बिल्कुल, थैंक यू जी कंफर्मेशन के लिए। ये अब आपको आइडिया होना शुरू हो गया होगा कि हम लोग क्या चीज कर रहे हैं। अच्छा जबरदस्त, अगर आप लोगों को इसकी क्लियर समझ आ रही है तो हम वापस चलते हैं, हम ये देखते हैं कि इसके बाद हमारे पास क्या ऑप्शन है। हम ये कहते हैं जी एक्सचेंज प्रोडक्ट नहीं करना था मुझे, मुझे तो मिसिंग प्रोडक्ट रिपोर्ट करना था कि मेरे डिवाइस में एक प्रोडक्ट मिसिंग है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका ये डिवाइस आपके प्रिंटेड डिवाइस में है, आपके ऑर्डर में है, लेकिन आपको बॉक्स में नहीं मिला, ये वाला प्रोडक्ट आपके बॉक्स आपके डिवाइस में है, समझ लें इसको, ये आपकी डिवाइस में है लेकिन आपको बॉक्स में नहीं मिला, आप कहेंगे रिपोर्ट द मिसिंग प्रोडक्ट। रिपोर्ट द मिसिंग प्रोडक्ट क्या हो गया जी, आपने मंगवाया था 318 16 और आ गया आपके पास कोई और 318 15 आ गया, 318 14 आ गया, तो आप कहेंगे रॉन्ग प्रोडक्ट डिलीवर्ड। रॉन्ग प्रोडक्ट डिलीवर्ड में क्या होगा जी, अभी इसमें यहाँ पे डिटेल नहीं आ रही लेकिन आ जाएगी। रॉन्ग प्रोडक्ट डिलीवर्ड में आपने यहाँ पर फर्दर इन्फॉर्मेशन दे दी है कि कौन सा प्रोडक्ट आपके पास आ गया है। ठीक है, इसमें आप कह दीजिए अच्छा जी मुझे प्रोडक्ट इज जस्ट मिसिंग, मेरे पास प्रोडक्ट मिसिंग है, अब मुझे क्या करना है, आई वॉन्ट टू कैंसिल दिस प्रोडक्ट। अगर आपको प्रोडक्ट नहीं चाहिए तो आप कैंसिल कर सकते हैं, और आई वॉन्ट टू रीसेंड द प्रोडक्ट। जब आप रीसेंड करेंगे तो फिर वो आपसे दो सवाल पूछेगा कि आपको प्रोडक्ट चाहिए कैसे, आपको ये प्रोडक्ट अपने नेक्स्ट ऑर्डर में चाहिए या आपने इस ऑर्डर को एक जो है सेपरेट ऑर्डर इसका क्रिएट करना है नया ऑर्डर में आने का। ठीक है जी, समझ आ गई है कि अगर आपने प्रोडक्ट को मिसिंग, हमने ये तीन चीजें देखी हैं, रिटर्न द प्रोडक्ट अगर प्रोडक्ट को रिटर्न करना है तो क्यों करना है, एक्सचेंज द प्रोडक्ट अगर आपने इसको एक्सचेंज करना है तो क्यों करना है। ठीक है जी, अगर आपने इसको कोई आपका प्रोडक्ट आपके इनवाइस में था और आपने इसको मिसिंग रिपोर्ट करना है तो क्यों करना है, तो क्या रीजन है। ठीक है, प्रोडक्ट इज जस्ट मिसिंग, आई वांट टू रीसेंड दिस प्रोडक्ट, कैसे मंगवाना है, नेक्स्ट ऑर्डर मंगवाना है, कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करके हमने इसको उसी तरह से अपना जो है अपनी समरी को चेक करना है, जो कमेंट करना चाहते हैं कमेंट कीजिए, उर्दू में, इंग्लिश में, पंजाबी में, सिंधी में, कंफर्म और सेंड कर दें। जब आप कंफर्म और सेंड करेंगे तो आपको एक ईमेल रिसीव होगी कि आपका क्लेम क्रिएट हो गया है, और आपको सिस्टम में यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दिखाई देंगी। ठीक है, उन इंस्ट्रक्शंस को आपने प्रिंट करना है और अपने जो है कोरियर पार्टनर को दे देना है। ठीक है जी, और उसके बाद काम शुरू हो जाएगा हमारी कस्टमर सर्विस टीम का। हमारी कस्टमर सर्विस की टीम अपने पास चेक करेगी कि आपके पास क्लेम क्रिएट हुआ है,
वो आपकी दी गई इंफॉर्मेशन के मुताबिक अपना जो काम करेंगे और बताएंगे कि वाकई आपका क्लेम वैलिड है, और अगर वो क्लेम वैलिड होता है तो आप जो है को नया प्रोडक्ट रिसीव हो जाएगा, और अगर प्रोडक्ट नहीं जो है नहीं आपका क्लेम होता तो हम उसको डिनाई कर देंगे और आपको ईमेल या मैसेज आ जाएगा कि आपका क्लेम डिनाई हो गया है ड्यू टू दिस दिस रीजन, तो आप उसके ऊपर फर्दर कर सकते हैं। तो कोशिश कीजिएगा जब भी आप क्लेम क्रिएट करें तो आपके पास ये सारी इंफॉर्मेशन हो और आपके पास प्रॉपर प्रूफिंग हो। एक सवाल आया कि सर प्रोडक्ट का एविडेंस क्या होगा प्रोडक्ट मिसिंग का? जी, इसका मिसिंग का ये हो सकता है कि आप उसकी पिक्चर लगा दें, जब आपने बॉक्स उसका खोला तो आपको बॉक्स वो नहीं मिला, ठीक है, और भी इसके ऊपर आप इनवाइस का प्रिंट लगा सकते हैं, मुझे ये इनवाइस थी और इसमें ये प्रोडक्ट नहीं मिले। तो हमारी टीम, हमारे पास अपने एविडेंसेस होते हैं, हमारे पास अपने प्रूफ होते हैं, हम उसको वेरीफाई करेंगे कि आया क्या वाकई आपका प्रोडक्ट कोई मिसिंग है, अगर वो मिसिंग प्रोडक्ट होगा तो हम आपको दोबारा से भेजवा देंगे। रिटर्न ऑफर की कितने डेज में एक्सचेंज होगी? जी क्वेश्चन ये, इसका आंसर ये है कि 30 डेज में, और अभी तक जो हमारी पॉलिसी करंटली चल रही है सेम वही पॉलिसी रहेगी, पॉलिसी में कोई चेंज नहीं है, पॉलिसी आपकी वही रहेगी। हाँ जी, ये है कि पहले क्लेम आप करने के लिए आपको एक ईमेल लिखनी पड़ती थी, आपको प्रूफ लिखना पड़ता था, आपको एफआईआर क्रिएट करनी पड़ती थी, सारा काम बहुत मुश्किल था, इन्फॉर्मेशन क्रिएट करने में टाइम लग जाता था, तो आप ये सारी चीजें आप ऑनलाइन खुद से अपने लॉगिन में कर सकेंगे। सर अगर एक दो वीक्स यूज कर भी किया और रिएक्शन हुआ तो रिटर्न चेंज हो सकते हैं? जी मैडम तूबा कुरैशी, मुझे इसका आंसर नहीं पता, क्योंकि इसके ये एक पॉलिसी है, इसके लिए आप अपने एएसएम से रब्ता करें, जो भी पॉलिसी होगी उसके मुताबिक आप अपना क्लेम क्रिएट कर दीजिए, अगर वो हमारे पॉलिसी के मुताबिक उस पर वैलिड होगा तो हम उसको अप्रूव कर देंगे। आपको मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आप इस वक्त सिस्टम सीखें कि आपने इसको क्रिएट कैसे करना है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। जैसे हमने शुरू में देखा था कि क्लेम क्रिएट करने की आपके पास तीन ऑप्शंस थी, हम एक और इनवाइस को चूज करते हैं, उसमें कहते हैं रिपोर्ट, आई वांट टू रिपोर्ट एन इनवाइस इशू। इनवाइस में क्या इशू हो सकते हैं? इनवाइस में क्या इशू हो सकते हैं जी? दो तरह के, आपके पास सेल्स एक्शन का प्रोडक्ट मिसिंग आ गया, आपके पास आरसी का गिफ्ट मिसिंग है आपके इनवाइस में, कैंपेन और गिफ्ट मिसिंग, ये आप चूज करेंगे। आप ये कहेंगे जी मुझे प्रोडक्ट नंबर 1276 चाहिए था, जो कि इसमें नहीं है, जो इनवाइस कैंपेन का है, आप वो प्रोडक्ट का कोड डालेंगे और कंटिन्यू प्रेस कर देंगे, कंटिन्यू प्रेस करेंगे वही वही समरी आपको दिखाई देगी, कमेंट्स में आप इसके ऊपर अपनी बात लिख सकते हैं और कंटिन्यू। अगर आपके पास सेल्स एक्शन मिसिंग है तो आप सेल्स एक्शन का कोड यहाँ डालेंगे और एड कर देंगे। रॉन्ग प्राइस और डिस्काउंट फी, आपने आपने कुछ प्रोडक्ट खरीदे जिसके ऊपर डिस्काउंट था, लेकिन आपने आपको जब प्रोडक्ट इनवाइस में मिले तो उसकी इनवाइस ज्यादा थी, प्रोडक्ट ज्यादा थी, तो आपने देखा जैसा कि मैंने चूज किया रॉन्ग प्राइस और डिस्काउंट और फी इनवाइस, इनवाइस में कोई इशू है, और आप जब नीचे देखेंगे तो आपकी इनवाइस में इस इनवाइस जो सिलेक्टेड इनवाइस है इसमें जो जो प्रोडक्ट पंच थे वो दिखाई देंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि ये डायमंड सेलुलर क्रीम थी ऑफर में, ये मुझे मिल रही थी लेकिन इसमें इसकी प्राइस ज्यादा लगेगी, तो आप उसको चूज करेंगे और कंटिन्यू कर देंगे वही वाली बात, आपने अपना क्लेम की समरी चेक करनी है और कमेंट डालने हैं तो आपको ये यहाँ पे दिखाई देगा। ठीक है जी, इसमें बहुत सिर्फ दो ऑप्शन है, बड़ी आसान है, लेकिन आपको याद रखना यह है किस सूरत हाल में आपने कौन सी ऑप्शन चूज करनी है, आपको ये याद रखना है कि किस सूरत हाल में आपने कौन सी ऑप्शन करनी है रिटर्न एक्सचेंज। वैसे तो ये इंग्लिश में सारा कुछ वेरी विजिबल है, बड़ा आसान है, लेकिन आपको याद भी होना चाहिए कि आपको कब कितनी किस वक्त में आपने कौन सी ऑप्शन चूज करनी है। ठीक है जी, इसके बाद हम जो है नेक्स्ट ऑप्शन चूज करेंगे, एक मिनट होल्ड कीजिएगा, मैं आपको दोबारा बताता हूँ थर्ड ऑप्शन के लिए।
हाँ जी, तो हमने ये दो ऑप्शन एक्सप्लोर की, अब हम देखते हैं तीसरी ऑप्शन में हमारे पास क्या क्या चीजें होंगी। आई वॉन्ट टू रिपोर्ट अ डिस्ट्रीब्यूशन इशू। जैसा मैंने आपको शुरू में बताया था कि डिस्ट्रीब्यूशन का जो इशू है ये देखिएगा, ये हमने कब चूज करना है, जब आपने पूरे के पूरे ऑर्डर में आपको कोई इशू आ गया है। जब आपको कोई पार्शल चीजें देखनी है तो आपने ऊपर दो में से कोई एक चूज करना है। तो आई वॉन्ट टू रिपोर्ट अ डिस्ट्रीब्यूशन इशू, जब इस पे क्लिक करूंगा और कंटिन्यू का बटन प्रेस करूंगा तो ये देखिएगा यहाँ पे हमें क्या आ गया। तो ये ऑप्शन आपसे पूछ रहा है, आई वॉन्ट टू कैंसिल दिस ऑर्डर। आपको प्रोडक्ट मिला, आपने कहा अच्छा जी मुझे कोई मसला आया है, आपने कैंसिल किया, तो कह क्यों कर रहे हैं कैंसिल, बाय स्पेसिफाई मोर डिटेल्स। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे, आप कहेंगे कि ये मुझे पार्सल जो था डैमेज मिला, आपको पार्सल मिला अनफॉर्चुनेटली खराब था, डैमेज हुआ हुआ था, आपने उसकी फोटो बना ली। अब आप कहते हैं कि मैं ऑर्डर कैंसिल करना चाहता हूँ, तो आप क्या करेंगे, पार्सल डैमेज था, और अगर आपको प्रोडक्ट डिलीवर ही नहीं हुआ, फॉर एग्जाम्पल आप ऐसा भी हो जाता है कि कुछ डिलीवरी के इशू आ जाते हैं, आपको प्रोडक्ट डिलीवर नहीं हुआ, तो आप कहेंगे प्रोसेस पार्सल इज नॉट डिलीवर्ड, मैंने कैंसिल करा, मुझे नहीं चाहिए, और कंटिन्यू कर देंगे। कंटिन्यू कर देंगे तो आपको वही इनवाइस जो पंच की पूरी दिखाई देगी और आपको यहाँ पे बता देगा कि पर्पस क्या था, नीचे आप कमेंट कर सकते हैं। बहुत ही आसान है कैंसिल करने के लिए। और अगर आप चाहते हैं कि जी ऑर्डर को दोबारा सेंड कर दे, डैमेज था कैसे मंगाना है, सेंड विद माय नेक्स्ट ऑर्डर और अ सेपरेट ऑर्डर। अगर आप सेंड विद माय नेक्स्ट ऑर्डर करेंगे तो आपको बस डिलीवरी के एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं पड़ेंगे, जो नेक्स्ट ऑर्डर के चार्जेस होंगे वही होंगे। अगर आप सेपरेट ऑर्डर करेंगे तो आपको इस ऑर्डर के ही सिर्फ चार्जेस पड़ेंगे, और इसके साथ आपको प्रूफ के लिए पिक्चर लगानी है, जो आपने पिक्चर उस वक्त डिलीवरी के वक्त ली थी। ठीक है जी, फॉर एग्जाम्पल मैं ये मैंगोज लगाता हूँ, बड़े अच्छे आजकल सीजन के मैंगोज हैं, मेरे फेवरेट पिक्चर है ये, तो मैं अपने हर आजकल टेस्टिंग के क्लेम में यही फोटो लगा रहा हूँ। और आप इसको जो है इनमें से कोई एक ऑप्शन आप चूज करेंगे तो ये देखिएगा नीचे आपके पास कंटिन्यू का बटन आ जाएगा। मुझे वायर ट्राई करते हैं, एक्चुअली एक ही ऑर्डर में दो एक्शन परफॉर्म किए हैं, तो सिस्टम बेचारा कंफ्यूज हो गया। रीसेंट ऑर्डर आप कर रहे थे, किस वजह से जी मुझे पार्सल डैमेज मिला है, उसके लिए हमने कहा नेक्स्ट ऑर्डर के साथ मुझे भिजवा दीजिएगा। चूज करेंगे कोई प्रूफ की पिक्चर, और जब ये अपलोड हो जाएगी तो ये देखिएगा कंटिन्यू का बटन प्रेस कर देंगे, और आपका वो जो ऑर्डर था सारा सिलेक्टेड ऑर्डर था। ये टेस्टिंग की वेबसाइट है, उसमें तो बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट होंगे जो आपकी मार्केट में यहाँ नहीं है, तो आपने इसको देखने लगाना नहीं है। पाकिस्तान में हमारे पास दो चीजें हैं, वही नजर आएंगी आपको। तो कमेंट्स में आप लिखेंगे कि मेरा ये ऑर्डर जो था, जो भी इशू था, आपने ये देखिएगा याद रखना है कि जो भी आपका इशू है आपने उसको क्लियरली मेंशन करना है, और ऑप्शन भी वही चूज करनी है जो आप चाह रहे हैं। जरा अच्छी तरह से माइंड क्लियर करते हैं, जब मैं कंफर्म एंड सेंड कर दूंगा, हाँ टेस्टिंग में है, वो कहता है चलते हैं ट्राई करना। लेकिन ये अभी हमारे पास जैसे मैंने आपको बताया कि टेस्ट इन्वायरमेंट है, इससे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन डिफरेंट होगी आपकी नॉलेज से, लेकिन इंशाल्लाह जब हमारे पास लाइव हो जाएगा तो आपको ये वाले इश्यूज नहीं आएंगे। एनीवे जी, बस यहाँ पे आके कंफर्म करेंगे तो जैसे मैंने आपको पहले दिखाया था कि आपको एक ईमेल लिंक आ जाएगी आपको फोन आपके पास, और इसकी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी कि आपका क्लेम रजिस्टर्ड हो गया है। जब आपका क्लेम क्रिएट हो गया है उसके बाद हमारी तरफ से अगर वो अप्रूव हो जाता है तो वो आपको तब भी ईमेल आ जाएगी कि आपका क्लेम अप्रूव हो गया है, या अगर डिनाई हो जाता है तब भी आपको यही सुनाई देगा, यही आपको ईमेल आएगी कि आपका जो है क्लेम डिनाई हो गया ड्यू टू दिस रीजन। ठीक है जी, अंडरस्टूड। ये थी हमारी तीनों ऑप्शन क्लेम क्रिएट करने की। अब मुझे ये बताइएगा कि आपको उसकी कोई चीज अगर नहीं समझ आ रही, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, कोशिश कीजिएगा क्वेश्चन ये हो कि सिस्टम से रिलेटेड, ऐसे क्वेश्चन ना हो जो इस वक्त इस मीटिंग से रिलेटेड ना हो, जैसा कि आउट ऑफ स्टॉक के इश्यूज, जैसा कि कोई पॉलिसी के इश्यूज,
कोई ऑर्डर नहीं मिल रहा तो प्लीज वो सवाल करवा कीजिएगा। अगर आपको इस ट्रेनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है तो जरूर कीजिए। हाँ, सवाल आया जी, जो प्रोडक्ट्स हमने हमें नहीं चाहिए वापस करने हैं, तो वो प्रोडक्ट हमने खुद ओरिजिन सेंटर जाकर देनी होगी या क्लेमिंग के बाद? नहीं जी, आपने वो प्रोडक्ट्स जैसे आप अभी भी डिस्पैच करते हैं, अगर आप लाहौर ऑफिस में, लाहौर में नहीं है या कराची में नहीं है, तो आप उनको हमारे एड्रेस पे डिस्पैच कर देते हैं। और अगर आप जो है लाहौर या कराची के हैं और आप ऑफिस आ सकते हैं तो आपको डिस्काउंट कर देते हैं, वो वाला प्रोसेस वैसे ही रहेगा। रिटर्न एंड एक्सचेंज का अलग अलग पैसे लेंगे प्रोडक्ट्स के? नहीं जी, अलग अलग पैसे नहीं है। लास्ट ऑप्शन पे प्रिंट क्यों करवाना है? नहीं, प्रिंट नहीं करवाना, वो आपको सिर्फ वहां पे आपको दिखाई दे रहा है कि आपने क्या क्या करना है, कि जी आपने प्रोडक्ट को पैक कैसे करना है, लेबल कैसे लगाना है, वो आपको वहां पे सिर्फ इन्फॉर्मेशन देगा। प्रिंटर अगर नहीं है तो आप प्रिंट ना कीजिए, आप सिर्फ नॉर्मल हाथ से अपना और ओरिफ्लेम का एड्रेस लिख सकते हैं। आवाज डिस्कनेक्ट हो रही है मैम शहनवाज को, सर अपना आप इंटरनेट चेक कीजिए। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह से 300 के करीब पार्टिसिपेंट्स हैं और आई थिंक बहुत से लोगों को आवाज सही आ रही है। सर अगर अनकॉम्प्लिकेटेड डिटेल की वजह से देनी हो जाए तो क्लेम, तो फिर क्लेम से रिक्वेस्ट कर सकते हैं? मुझे सवाल समझ नहीं आया, अनकम्प्लीट डिटेल्स की वजह से डिनाई हो गए हो क्लेम तो फिर से क्लेम रिक्वेस्ट कर सकते हैं? हाँ, तो हाँ जी, अगर आप लोग डिनाई हो गया है तो उसके लिए आप हमारे ब्रांड, हमारे कस्टमर सर्विस से रब्ता कर सकते हैं और क्लेम दोबारा से क्रिएट कर सकते हैं। जो आउट ऑफ स्टॉक हो प्रोडक्ट वो कब तक अवेलेबल होंगी? रायमा भट्ट, मैंने ऐसे जैसे क्या कुछ बताया था कि मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन नहीं होती आउट ऑफ स्टॉक की, स्टॉक की आई एम सॉरी, मैं आपको कुछ नहीं बता पाऊंगा। सर इट्स लाइक इंसिडेंट क्लेम लाइक वी क्लेम रिक्वेस्ट राइट? जी बिल्कुल वैसे है, लेकिन वहां पे आप सिर्फ अपनी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं और आपका जो ऑर्डर है, जो प्रोडक्ट है, वो सारी चीजें हम अपने हैंड से करते हैं। तो अब हमने ये इन्फॉर्मेशन आपको दे दिया है, ये करने का तरीका आपको बता दिया है ताकि आपको लोग से अपना क्लेम क्रिएट कर सके। कस्टमर ने अगर कोई क्लेम किया है तो क्या आइटम्स तो हुई हैं तो उनको डायरेक्ट कैसे चेंज कर सकते हैं? मुझे समझ नहीं आया सवाल का। I want to talk on voice. GGA कौन है? BBA4K9 शाहरुख़ जावेद। जी मैं आप थोड़ी देर में माई माइक अनम्यूट कर दूंगा, लेकिन अभी सब हम चैट पे देख रहे हैं। पिक्चर क्यों शो नहीं हो रही है? कौन सी पिक्चर जी? सर अगर अनकम्प्लीट डिटेल्स से डिनाई हो जाए, हाँ जी मैंने आपका जवाब दे दिया आई थिंक। सर क्या हम ये ऑर्डर रिटर्न का कस्टमर को दे कह सकते हैं कि वो टेक ताकि वो ट्रस्ट से कर सके? जी बिल्कुल, उनके पास अगर पासवर्ड यूजर है वो अपना लॉगिन क्रिएट करके वो कर सकते हैं, लेकिन अगर वो कस्टमर है जिनके पास यूजर नेम पासवर्ड नहीं है तो वो नहीं कर पाएंगे। अस्मा शहजाद कहती है जी क्या प्रैक्टिस के लिए डिफरेंट ऑप्शन टेंडर कर सकते हैं चेक करने के लिए? जी आप कर सकते हैं, लेकिन सेव ना कीजिएगा। कितने टाइम पीरियड में ये क्लेम कर सकेंगे ऑर्डर रिसीविंग के बाद? जी ये आपका जो पॉलिसी करंट है उसी पॉलिसी पे होगा, आई थिंक दिस इज 30 डेज। सर अगर प्रोडक्ट यूज कर रहे हो रिएक्शन हो गया तो प्रोसीजर वाली रिटर्न हो जाएगी? जी ये भी पॉलिसी का है, आप क्लेम क्रिएट कर दीजिएगा, हमारी जो है टीम उसको चेक करेगी कि आपका क्लेम वैलिड है या नहीं, अगर वैलिड होगा तो हम उसको अप्लाई कर देंगे वरना डिनाई हो जाएगा। बहुत डिटेल जबरदस्त प्रोडक्ट्स यूजेज के बाद रिएक्शन का पता चलता है, इसका आंसर हो गया आई डोंट नो, मेरा पार्सल अभी तक क्यों नहीं आया, इवन मैंने पेमेंट भी क्लियर कर चुकी हूँ। इसके लिए जी आप हमारे पास सर्विस रिक्वेस्ट की ऑप्शन है, सर्विस रिक्वेस्ट क्रिएट कर सकती है। सर मुझे बहुत अच्छा लगा आपका ये प्रोग्राम, शुक्रिया। सर रिटर्न करते हुए कोई न्यू प्रोडक्ट ऑर्डर कर रहे हैं तो उसके बीपी पुरानी प्रोडक्ट से बीपी से कम हो तो वो नेक्स्ट ऑर्डर में एडजस्ट होंगे? हाँ जी मैंने बताया था, अगर बीपी और प्राइसेज आपके ऑटोमेटिकली एडजस्ट होंगी।
वाह वाह वाह, ये सवाल मुझे, मेरा सबसे फेवरेट है। सर ये रिकॉर्डिंग मिल सकती है क्या ट्रेनिंग की? जी, ट्रेनिंग की रिकॉर्डिंग हो रही है, लेकिन मैं नहीं दूंगा किसी को भी। मैं चाहता हूँ कि आप लोग किसी ट्रेनिंग में लें, हमारी 14th को सेम ट्रेनिंग होगी। अगर आपको अभी समझ नहीं आया है तो 14th जून मंडे को आप ठीक इसी टाइम पे 3 बजे ज्वाइन कर सकते हैं। और रिकॉर्डिंग के लिए हम इस ऑप्शन, इसका वीडियो रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे अपलोड कर देंगे, ट्रेनिंग की आपको वहां से मिल जाएगी। लेकिन कोशिश कीजिए कि आप अभी से इसको सीख लें। फाउंडेशन या लिपस्टिक यूज करने के बाद शेड का कोई इशू हो तो वो भी एक्सचेंज हो जाएगी जी। आप क्लेम क्रिएट कर दीजिएगा, क्लेम में अगर आपकी चीज वैलिड होगी तो वो आपको मिल जाएगा। क्या प्रोडक्ट क्लेम करने पर कोई लिमिट है क्या? मैंने बता दिया है इसका आंसर। अस्सलाम वालेकुम सर, बाकी सब तो सही है पर क्लेम का ऑप्शन है किधर? आई मीन हम लोग किधर से क्लेम को ऑप्शन कर सकते? बहुत अच्छा सवाल है जी, मैंने आपको स्क्रीन शेयर की हुई है, आपके वेबसाइट पे अपना लॉगिन करना है। मैं दिखाता हूँ जी आपको दोबारा से, स्क्रीन पे देखें, स्क्रीन पे भी शेयर हुई है हमारी, देखिएगा। जब आप लॉगिन करते हैं तो आप इस तरह से डैशबोर्ड पे आते हैं, वेबसाइट पे आपने लॉगिन करना है अपना। लॉगिन करने के बाद डैशबोर्ड पे आएंगे, ऑर्डर्स के अंदर, क्लेम्स में, और क्लेम क्रिएट करेंगे। सिंपल, बहुत आसान है। ठीक है जी, ऑर्डर ब्रांच से ऑर्डर लिया है तो ब्रांच में ही एक्सचेंज होगा। आई रिसीव द पार्सल बट डिड नॉट रिसीव फ्लायर, आई एम फ्रॉम मेंबर ऑफ ओरिफ्लेम जी। अभी फिलहाल आप एसआर क्रिएट कर लीजिए इसकी। मेरा एक फर्स्ट ऑर्डर था, अगर किसी प्रोडक्ट से एलर्जी हो तो जी बिल्कुल, एडवर्स रिएक्शन की ऑप्शन है, वीडियो ऑफ करने का कहें प्लीज, वीडियो ऑफ करने का कहें जी। अपनी अपनी वीडियो ऑफ कर लें, लोगों को डिस्ट्रैक्शन हो रही है, प्लीज। किसकी वीडियो हो मेरे से? हाँ जी, तो जी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। अगर प्रोडक्ट शू ऑफिस की तरफ से क्लेम करें तो वो प्रोडक्ट ना भेजने के चार्जेस जी। हेलो सर, नंबर तो इसलिए लिया था कि आपको स्टेट का नहीं पता चल रहा तो कॉल करें जी, मुझे आईडिया समझ नहीं आई। फ्लायर के प्रोडक्ट का इशू होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि फ्लायर के प्रोडक्ट के लिए आपने दूसरी ऑप्शन चूज करनी है क्लेम्स में,